नमस्कार मुंबई रिपोर्ट साथे हूँ छु शिवानी। सौथी पहला बात करिए राजकीय गतिविधियोनी तो महाराष्ट्र विधानसभा चूंटणी ने लईने दरेक पार्टीओ मां बैठकोनो दौर शुरू थयो छे। एक तरफ ज्यां शिवसेना भाजपमां बैठकोनी वहेंचणी ने लईने पेच पसायो छे त्यां कांग्रेस अने एनसीपी वच्चे पण केटलीक बैठकोने लईने असमंजस अने असहमतिनी स्थिति सर्जाई छे। आ अंगे चर्चा करवा माटे बंने पक्षोना अग्रणी नेताओनी बैठको मळी हती। कांग्रेस अने एनसीपी वच्चे પણ આ બેઠક થઈ હતી ત્યારે કોંગ્રેસની પહેલી યાદીમાં 51 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કોંગ્રેસે કરી દીધી છે। મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા માટે કોંગ્રેસે પહેલી યાદી જાહેર કરી દીધી છે। આ સાથે 51 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત પણ થઈ ગઈ છે। મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીની 288 બેઠકો જેમાંથી 51 બેઠકો પર કયા ઉમેદવારો હશે જેની જાહેરાત કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસ અને એનસીપી આ બંને પક્ષો વચ્ચે પણ બેઠકોની વહેંચણીને લઈને કેટલીક અસમંજસ હતી। બીજી તરફ ભાજપ અને શિવસેના વચ્ચે પણ બેઠકોની વહેંચણીને લઈને જે પેજ ફસાયેલો છે, પરંતુ ચિત્ર શું સામે આવે છે તે પણ હવે જોવું રહ્યું। આ વિશે વધુ વાત કરી રહ્યા છે TV9 સંવાદદાતા રજનીશ રંજન। રજનીશ, અભી પીએમ કી અધ્યક્ષતામાં એક બેઠક હો રહી હૈ જિસમે મહારાષ્ટ્ર ચુનાવ કો લેકર ભી કોઈ બડા એલાન હો સકતા હૈ? बिल्कुल, देखिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, थोड़ी देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए जो पहली लिस्ट है वो जारी कर सकती है। इसके अलावा गुजरात के जो बाई इलेक्शन है उसकी भी उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तो सीपी की बैठक खत्म होने के बाद ही ये तमाम लिस्ट आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। और अगर कुछ बड़े नाम आपको बताएं तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण भोकर से चुनाव लड़ेंगे। जो वर्किंग प्रेसिडेंट है नितिन राउत, उनको नागपुर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है बाला साहब थोराट, उनको संगमनेर विधानसभा से कैंडिडेट बनाया गया है। वर्षा गायकवाड़ जो गुजरात की प्रभारी रही है उनको महाराष्ट्र में धारावी से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा सैयद मुजफ्फर हुसैन जो वहां पे बहुत सीनियर लीडर है उनको भायंदर से विधानसभा का कैंडिडेट बनाया गया। तो इस तरह से 51 लोगों की जो सूची जारी की गई है, अधिकतर विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं और इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को भी कैंडिडेट बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर अपने पुराने जो उनके भरोसेमंद चेहरे हैं उनको ही मैदान में उतारा है। 4 अक्टूबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये माना जा सकता है कि अगले 1-2 दिनों में जो बाकी बची हुई लिस्ट है कांग्रेस और कांग्रेस की वो जारी होगी। और अब तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी पीसी की बैठक खत्म होगी और उसके तुरंत बाद कुछ लोगों का जो अनाउंसमेंट है महाराष्ट्र हरियाणा के साथ साथ बाई इलेक्शन में जो बचे हुए हैं उन उम्मीदवारों के नाम सामने आने में। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही शायद ये पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल रजनीश, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अत्यारे तो पीएम नी अध्यक्षता में जे बैठक मळी रही छे तेने लई रहे हवे ए बैठक माथी शू चित्र बहार आवे छे ते पण जोई रह्यो छे के कांग्रेस नी प्रथम यादी जाहेर थई गई छे जेमां 51 उम्मीदवारोना नाम जाहेर करवामां आव्या छे। तो बीजी तरफ कांग्रेस अने एनसीपी वच्चे मेलघाट, नागपुर शहर, गढ़चिरोली, अमरावती अने अकोला बैठक